नमस्कार, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं संदीप गुप्ता इस वक्त हमारे से जुड़ेंगे दीपावली के पावन पर्व पर भिवंडी वासियों को शुभकामनाएं देने के लिए। भिवंडी शहर के प्रथम नागरिक महापौर प्रतिभा विलास पाटिल जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से देखा जाए कि कोरोना के काल में सभी धर्म जातियों का जो त्यौहार है वो काफ़ी फीका फीकापन से मनाया गया, महापौर प्रतिभा विलास पाटिल इसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैडम, सबसे पहले तो सच की आवाज़ टीवी न्यूज़ की तरफ से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए कि हिंदू धर्म का एक नए साल के रूप में हम दीपावली मनाते हैं, और ऐसे में क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो सभी भिवंडी वासियों को और आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। और ये जो ये साल का जो लोगों का बहुत ही कठिन गया है, जो कोरोना काल का जो लोगों ने मनाया है, और जो भी सभी जाति धर्म के लोग हैं उन्होंने अपने सभी त्यौहार बहुत फीके मनाए या ना के बराबर मनाए हैं, लेकिन साल का जो ये दीपावली का त्यौहार रहता है सुख समृद्धि का, लोगों का शांति का रहता है, तो वो आज अच्छे तरह से लोगों ने मनाया ऐसा भिवंडी शहर में हमारे दिख रहा है। तो मैं सभी भिवंडी वासियों को एक शुभकामना देती हूँ, और कोरोना काल में अपनी सुरक्षा रखें, और सभी लोग अपने जाति धर्म के सभी लोगों को मैं शुभकामनाएँ देती हूँ और दीपावली के ढेर सारे शुभकामना। तो ये थे हमारे साथ में महापौर प्रतिभा विलास पाटिल जी। हम उनके निवास साधन पर आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर रंग बिरंगे जो हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिवाली का जब त्यौहार आता है तो उस समय यहाँ पर बहुत से फूलों से सजाया गया है पूरे घर को, और यहाँ पर डिजिटल के माध्यम से यानी कि 3D के माध्यम से यहाँ पे रंगोलियाँ निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुभ दीपावली लिखा है, और खासकर ये देखा गया है कि दिवाली के त्यौहार पर मीठापन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिठाइयों का यहाँ पर दृश्य दर्शाया गया है विशेष तौर पर रंगोली के माध्यम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाटिल परिवार, जो कि हम आपको बता दें कि पाटिल परिवार की एक यहाँ पर बच्ची है, उसका भी बाकायदा यहाँ पर ड्राइंग निकाला गया है विशेष तौर पर। देख सकते हैं कि कितने मतलब रंग बिरंगे, यानी कि हूबहू ऐसा लग रहा है कि जैसे कि डिजिटल दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपको बताएं कि रंगोली के माध्यम से पूरा ये सारी चित्र को यहाँ पर दर्शाने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि पूर्व महापौर और हाबी के जो हाल ही के महापौर हैं उनका भी यहाँ पर बाकायदा रंगोली के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक चित्र दर्शाया गया है। ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो है हूबहू यहाँ पर दिखाए गए, फूलों से पूरे बंगले को सजाया गया। हम आपको बता दें कि दीपावली का पावन पर्व है, और इस पावन पर्व पर महापौर प्रतिभा विलास पाटिल के निवास साधन पर हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रंगोली के जो कला दृश्य दर्शाने के लिए लोग हैं यहाँ पर बाकायदा, वो लोग यहाँ पर रंगोली निकाल रहे हैं, अपनी कला का दर्शाने का काम कर रहे हैं। विशेष तौर पर कोरोना महामारी का एक संकट पूरे देश और दुनिया में मन रहा है, लेकिन इस बीच जो है त्योहारों में काफ़ी फीकापन देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कोरोना की इस महामारी के चलते जिस तरह से त्योहारों में फीकापन देखने को मिला, लेकिन दीपावली का पावन पर्व अच्छे से मनाया जा रहा है। महापौर प्रतिभा विलास पाटिल ने देशवासियों को और भिवंडी वासियों को इसकी शुभकामनाएं भी दी है। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। लॉट्स शूज एंड बैग पेश करते हैं अपना नया कलेक्शन, जिसमें आपको मिलेंगे सैंडल्स, शूज, बैग, हैंडबैग्स, और फैंसी में है हाई हील शूज, डेलीवेयर, ऑफिस वेयर कलेक्शन, और आपको मिलेगा डिस्काउंट अप टू 50%। तो आज ही आइए और इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाइए, क्योंकि लॉर्ड्स हैं सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। एड्रेस: नियर भिवंडी टॉकीज, ससुर अली, भिवंडी।